रिजाइन दे दिया बॉलिंग कोच ने, क्या अपडेट्स के वजह से बात करेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए एक इंटर्निंग बॉलिंग कोच मिल गया, उसके वजह से बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर ने वर्ल्ड कप का जो 2023 का स्कॉर था कितना रुकड़ा कमाया, कितने पैसे कमाए, उसके वजह से आपको बताएंगे। और भी कुछ मजे मजे की क्रिकेट की अपडेट्स हैं, उन तमाम मौजूद पर बात करेंगे इसी वीडियो में। उससे पहले चैनल पर जितने भी दोस्त पहली बार आए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले बात करते हैं मौने मौकल जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच थे वर्ल्ड कप 2023 में, उन्होंने रिजाइन कर दिया है वर्ल्ड कप के बाद। पाकिस्तान की पथेटिक बॉलिंग परफॉर्मेंसेज उनको बड़ा नाराज किया उस परफॉर्मेंस ने। शाहीन शाफी की हाई सौंप और बाकी जो आपके हसन अली मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, स्पिनर्स भी क्लूलेस नजर आए, तो उन्होंने अफसुदा होकर रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम नहीं करना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मेरा कोई माइंड नहीं है, तो इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया दौरे में, ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जो उमर गुल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर बुलडोजर है, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हायर कर दिया और वो एज इंटर्निंग कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तान के 3 टेस्ट मैचेस का दौरा 14 दिसंबर से उसका आगाज होना है उसके लिए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है उमर गुल और मौने मौकल के हवाले से। इसके बाद जो डेटा आई शोएब मलिक के हवाले से आई है, जिनका बड़ा नाम जा रहा है कि शोएब मलिक 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप के कैप्टन बन सकते हैं, जो कि यूएसए और वेस्ट इंडीज में होना है, अभी तक की जो अपडेट आई है। लेकिन हकीकतन बात यह है कि शोएब मलिक इस रेस में शामिल नहीं है। शोएब मलिक का इंटरव्यू भी चल रहा है, वो चाहते हैं कि मैं वर्ल्ड कप 2023-24 जो है वो खेलूँ यूएसए वेस्ट इंडीज में। उन्होंने बाबर से भी शिकायत किया, उन्होंने कहा कि मुझे बाबर ने कहा 2022 वर्ल्ड कप के लिए पहले कि मैं जो है वो आप प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे, आपको खिलाऊंगा, अभी आप इस वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लें। फिर बाबर ने बाद में उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया। लेकिन टीवी पे खबरें चल रही कि शोएब मलिक जो है वो कंफर्म कप्तान होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, शोएब मलिक दूर दूर तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बनते हुए नजर नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जो अपडेट आई है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड के हवाले से आई है, और जनाब बड़ा रुकड़ा कमाया पाकिस्तानी क्रिकेटर ने, 7.5 बिलियन यानी 75 करोड़ रुपए PKR में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कमाए हैं, जो आपके 15-19 स्क्वाड है। इसमें कप्तान बाबर जो है इनका जो डेली अनाउंस है, यानी जो इनके फॉरन ट्यूबर्स हैं उसमें जो इनका एक दिन का अनाउंस है वो है जी $4,000 $4,000 पाकिस्तान, मतलब आप कह रहे हैं पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज में। और जो आपके वाइस कैप्टन है उनका है $3,000 $3,000 और $4,000। उसके अलावा जो आपका एक कप्तान कमा रहे हैं महाना, वो 45 लाख रुपया ए कैटेगरी के ए फॉर्मेट से कमा रहे हैं। आपके शाहीन, आपके जवान, आपके बाबर, ये तीनों जो ए कैटेगरी के प्लेयर हैं ये बड़ी सैलरी कमा रहे हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो बड़ी अपडेट है इन तीनों के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। इसके बाद जो अपडेट आई है शर्जील खान के हवाले से आई है, जिन्होंने 81 बॉलों पर 106 रन की इनिंग खेली है पाकिस्तान कप में, 10 चौके 7 छक्के लगाए हैं, वही क्लासिक नॉक खेली है। हैरत की बात ये डोमेस्टिक आप उनको खिलाए, पाकिस्तान टीम में नहीं खिलाए, ये कह के आप उनको बाया कर देते हैं, मोटे हैं, ये हैं, वो है, फिटनेस नहीं है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेलेक्टर्स और कोचेस और मैनेजमेंट और स्टाफ का। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर मिलता हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़।